दोस्तों, ये कहानी एक भेड़िए और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने एक भेड़िए की जान बचाई थी। बदले में भेड़िए ने जो किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हो सकता है कि आप रो पड़ो। ये कहानी अमेरिका के एक छोटे से गांव के पास मौजूद एक जंगल की है। जब एक व्यक्ति उस जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी वो एक भेड़िए के रास्ते में आ जाता है। जब वो व्यक्ति ध्यान से देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो भेड़िया किसी जाल में फंस गया है, जो काफी दुखी लग रहा था, जिससे उस व्यक्ति को महसूस हो गया था कि वो काफी समय से इसमें फंसा हुआ है। जब वो व्यक्ति उसे नजदीक से जाकर देखता है तो उसके आसपास छोटे भेड़ियों के बच्चों के निशान थे, जिसका मतलब था कि पास ही में कुछ भूखे बच्चे घूम रहे हैं। जब वो व्यक्ति उसे जाल से बाहर निकलने में मदद करता है तो वो फीमेल भेड़िया उसे नजदीक नहीं आने देती। इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना उन भूखे बच्चों को कर कुछ खिलाया जाए। थोड़ा समय ढूंढने के बाद उसे वो बच्चे मिल गए, जिन्हें वो उनकी माँ के पास ले गया। तभी उस व्यक्ति ने बिना शोर किए उस भेड़िए को जाल में से बाहर निकाल दिया और पासी में मरे हुए हिरण को उनके खाने के लिए ले आया, जिसे वो भेड़िया और उसके बच्चे चुपचाप खा गए। वो व्यक्ति रात को उनके पास अपना टेंट लगा लेता है। सुबह होने पर भेड़िए के बच्चे उस व्यक्ति को चाट कर जगा देते हैं। भेड़िया दूर से उस नजारे को देख रहा था। कुछ दिनों तक वो व्यक्ति उनके साथ ही रहा, जिससे उसने भेड़िए का विश्वास जीत लिया। इस बार जब उसने भेड़िए के घाव पर हाथ रखा तो भेड़िए को गुस्सा नहीं आया। शायद उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। फिर वो दिन भी आ गया जब वो व्यक्ति वो जगह छोड़कर जा रहा था। कुछ दूर सड़क पर चलने पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो भेड़िया और उसके बच्चे उसका पीछा करते हुए दिखाई दिए। जब व्यक्ति ने उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा तो जवाब में भेड़िए ने सर को ऊपर करके एक तेज आवाज निकाली। शायद वो अलविदा का जवाब दे रहा था। इसके 4 साल बीत जाने के बाद वो व्यक्ति उस जगह पर वापस आता है और उस जगह को देखकर अपनी यादें ताजा कर रहा होता है। तभी एक भालू इंसान की गंध सूंघकर उस व्यक्ति के नजदीक आ जाता है, जिसके डर से व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं भालू उसका पीछा करते हुए पेड़ के कुछ हिस्से पर चढ़ जाता है। तभी वो व्यक्ति सहायता के लिए जोर जोर से चीखने लगता है, जिसके बाद उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है और उसी वक्त भालू के सामने अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए कुछ भेड़िए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भालू वहां से भाग जाता है। व्यक्ति को ये समझने में सिर्फ कुछ ही समय लगा कि ये वही भेड़िया और उसका परिवार है जिसकी जान उसने 4 साल पहले बचाई थी। वो व्यक्ति नीचे उतरकर उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर धन्यवाद कहा। भेड़िए ने भी जवाब में तेज आवाज निकाली। फिर कुछ समय उनके साथ बिताकर वो व्यक्ति वापस अपने घर चला गया और कभी वापस लौटकर उस जगह नहीं आया। अब उसके पास कुछ ऐसी यादें थी जिसे वो लोगों को सुना सकता था, ताकि लोग समझ सके कि जानवर में भी इंसानियत होती है या फिर इंसानियत से बढ़कर कोई चीज। दोस्तों, मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए, जिसे देने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।